हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आ यूट्यूब चैनल करेंट स्टडी सेंटर फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेके आ गया हूँ फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता ना कि जितने भी बच्चे रेलवे की तैयारी करते हैं चाहे भारत सरकार के किसी भी भर्ती की तैयारी करते हैं उन सभी बच्चों का एक डाउट रहता है कि हम अपना से, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है चाहे रेलवे के फॉर्मेट के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होता है वो कैसे बनेगा चाहे वो एस हो जैसे मैं बात करूँ चाहे वो एस सी कैटेगरी हो चाहे वो एस टी कैटेगरी हो चाहे ओ हो चाहे ई हो ठीक है किसी भी कैटेगरी का मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों का सेंट्रल क्योंकि आप लोग का रेलवे एक सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती में सेंट्रल गवर्नमेंट का ही का सर्टिफिकेट लगता है जाति प्रमाण पत्र लगता है तो आप लोग का मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने राज्य सरकार के जाति प्रमाण पत्र को जो भी आप लोग का राज्य सरकार का चाहे गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हो चाहे गवर्नमेंट ऑफ बिहार हो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड हो गवर्नमेंट ऑफ जो भी आप लोग का उत्तर प्रदेश का मतलब कि राज्य का जाति प्रमाण पत्र है उसको आप लोग रेलवे के फॉर्मेट में कैसे बनवाइएगा ठीक है रेलवे के फॉर्मेट आप लोग कैसे बनवाएंगे या फिर मैं कहूँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में कैसे बनवाएंगे क्योंकि रेलवे का जो फॉर्मेट लगता है वही सेंट्रल गवर्नमेंट के भी फॉर्मेट लगता है और भी भर्तियों के लिए रेलवे में जो लगेगा वो भी आप लोगों का एस में भी लगेगा वही आप लोगों का जो भी मतलब कि जितने भी भारत सरकार के वीएस हो गया कि के केंद्रीय विद्यालय जो हो गया टीचर्स की भर्ती आती है केंद्र थ्रू में ठीक है चाहे ई एम आर एस हो गया चाहे किसी भी भर्ती की मैं बात करना हूँ जो भी केंद्र सरकार की भर्ती आती है ना सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती में सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कास्ट सर्टिफिकेट लगता है चाहे वो एस सी एस टी ई डब्ल्यू एस ओ बी सी कोई भी कैटेगरी हो ठीक है जनरल को छोड़ करके ठीक है तो आप लोग को मैं इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ ए टू जेड कि आप लोग कैसे अपना जो कि राज्य सरकार के जाति प्रमाण पत्र को आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट का जो है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर रेलवे के फॉर्मेट में कैसे बनवाइएगा मैंने यह खुद अपना बनवाया है, और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर डेट भी पाँच अगस्त को मैं बनवाया हूँ पाँच अगस्त दो को पाँच अगस्त दो को चौबीस भारत सरकार का जाति प्रमाण पत्र में बनवाया हूँ रेलवे के लिए ही बनवाया हूँ ठीक है तो आप लोग इस वीडियो में दिखा रहा हूँ कंप्लीट प्रोसेस कि कैसे किसी किसी स्टेप से घोगे के रहेगा आप लोग बनवाने के लिए और कैसे क्या कुछ करना रहेगा तो संपूर्ण जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में दूंगा और बहुत सारे बच्चों का डाउट ये रहता है कि आप लोगों का जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का यह तो बन गया अब इसमें डाउट यह रहता है कि इशू डेट क्या लिखे हम और मेरे सर्ट सर्टिफिकेट नंबर क्या है तो मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा आप लोग को इस वीडियो में आप लोग बस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही रेलवे भर्ती से कोई भी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ठीक है मैं अपने इस चैनल पर हर एक और रिलेटेड वीडियो रेलवे से रिलेटेड चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी भर्ती चाहे स्टेट गवर्नमेंट की कोई भर्ती से रिलेटेड नोटिफिकेशन अपने इस चैनल पर प्रोवाइड करा के रखता हूँ तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मैं खुद एक सेलेक्टेड क्वालिफाइड कैंडिडेट हूँ मैं जो भी ये बता रहा हूँ आप लोग को बनवाया हूँ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर बनवाया वो बताया हूँ आप लोग को ठीक है तो आप लोग ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप स्कीप मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद से आप लोग का कोई भी न एक भी डाउट ऐसा ना रहे जो क्लियर ना हो आप लोगों को लेकिन फिर भी अगर उसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है बाई चांस तो आप लोग वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा मैं तुरंत रिप्लाई आप लोग को दूंगा ठीक है चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप लोग को सेंट्रल गवर्मेंट कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए चाथी प्रमाण पत्र बनवाने के लिए या फिर या फिर कहे तो रेलवे के फॉर्मेट में एस सी एस टी ई कोई भी कैटेगरी बनवाने के लिए आप लोग को रेलवे के लिए या फिर कोई भी और भर्ती के लिए बन एस के लिए बनवाने के लिए आप लोग को सबसे पहले अपने कैटेगरी का एक प्रिंट निकलवाना पड़ेगा ठीक है जैसे ये प्रिंट है आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ जो ये जो फॉर्मेट है ना ऐसा एक प्रिंट होता है आप लोग का सेंटर इसको प्रिंट में निकलवाना पड़ेगा मतलब कि आ, किसी भी साइबर कैप पर जाइएगा वो प्रिंट निकाल के दे देगा और ये पी आप लोग को मिलेगा कहाँ से तो आप लोग का ये पी मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ या फिर डायरेक्ट चाहे तो टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं करेंट स्टडी सेंटर ठीक है करेंट स्टडी सेंटर, सेंटर सर्च कीजिएगा आप लोग को ठीक है आप लोग को मेरा चैनल मिल जाएगा नहीं तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा हूँ वहाँ पर ज्वाइन करके आप लोग चाहे किसी भी कैटेगरी का हो चाहे वो एस हो चाहे वो एस हो चाहे वो ओ हो चाहे वो ई हो ठीक है मैं सभी कैटेगरी का, का रेलवे के फॉर्मेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट का है तो दोनों का मतलब कि लिए मैं अपने चैनल पर फॉर्मेट प्रोवाइड करा के रखा हूँ आप लोग किसी भी कैटेगरी को आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है वहाँ से जा करके और पी फाइल का जो जो भी आप लोग का कैटेगरी होगा सर्च मारिएगा लिखिएगा जैसे आप लोग एस सी सर लिखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट बस आप लोग को लिखना है सेंट्रल फॉर्मेट चाहे फिर फिर केवल लिखिएगा सेंट्रल सेंट्रल लिखिएगा आप लोग का सेंट्रल में रिलेटेड आप लोग का एस सी एस सब मिल जाएगा आप लोग का ठीक है बस इतना ही सर्च मारना है आप लोग जाकर उसमें मेरे टेलीग्राम चैनल पे ठीक है उसके बाद अगर आप लोग को फिर भी नहीं मिल रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करा दूंगा ठीक है तो चलिए आप लोग प्रिंट निकलवाइएगा प्रिंट निकलवाने के बाद अब इसको भरना कैसे है आप लोग को सबसे पहले आप लोगों का यहाँ पे नेम भरना रहेगा अपना ठीक है जो भी आप लोग का यहाँ पे नेम रहेगा नेम भरिएगा फिर डॉटर ऑफ भरिएगा आप लोग के फादर नेम यहाँ पे भरिएगा फिर अपना जो भी आप लोग का विलेज टाउन जो भी द, 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 आप होगा पे आप लोग वहाँ पर भरिएगा फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भरिएगा आप लोग देखिए डिवीजन डिस्ट्रिक्ट लिखा है डिस्ट्रिक्ट भरिएगा फिर ऑफ़ दी उत्तर प्रदेश यहाँ पे उत्तर प्रदेश लिखिएगा यहाँ तक हो गया आप लोग का और उसके बाद जो सब कास्ट आप लोग का रहेगा वहाँ पे यहाँ पे लिख दीजिएगा जैसे आप लोग का जो भी कटेगरीज है वो अपना सब कास्ट होगा आप लोग का कोई एक तो उसको लिख दीजिएगा बगल में ब्रैकेट में करके यहाँ पर मैं लिखना भूल गया हूँ ठीक है ब्रैकेट में लिख करके लिख दीजिएगा एस सी एस तो एस लिख दीजिएगा एस है तो एस लिख ओबीसी है तो ओबीसी लिख दीजिएगा ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस लिख दीजिएगा ठीक है जो भी होगा आप लोग यहाँ पे ब्रैकेट में करके लिख दीजिएगा ठीक है इस चीज को आप लोग ना भूलिएगा उसके बाद से आप लोग बहुत सारे बच्चों को मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे भरने में फॉर्म मिस्टेक कर देते हैं बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना ये थर्ड नंबर से नंबर पॉइंट भर देते हैं जो सेकंड नंबर पॉइंट आप लोग को दिख रहा है ये वाली जो अभी देखिए आप लोग खाली दिख रही होगी ये वाले बहुत सारे बच्चे भर देते हैं मैं आप लोगों को बार बार कर रहा हूँ अगर आप लोग के नॉर्मल कैंडिडेट हैं तो आप लोग को ये ये वाला कॉलम नहीं है आप लोग को भरना है आप लोग को ये सिंपली से ब्लैंक छोड़ देना है ठीक है अगर आप लोग नॉर्मल कैंडिडेट है तो अगर आप लोग माइग्रेट कर गए किसी दूसरे राज्य में रहते थे वहाँ से माइग्रेट करके किसी दूसरे राज्य में चले गए हैं तो ही आप लोगों के लिए यहाँ पर ये वाला सेकेंड नंबर कॉलम एलिजिबल रहेगा आप लोग भर सकते हैं देखिए सेकंड नंबर कॉलम एप्लीकेबल इन द केस ऑफ शेड्यूल का शेड्यूल टाइप पर्सन हु हैज माइग्रेट फ्रॉम द ऑन वन स्टेट या यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि आप लोग माइग्रेट कर गए किसी भी यूनियन टेरिटरी से या फिर स्टेट से किसी भी राज्य में किसी और राज्य में चले गए दूसरे राज्य में माइग्रेट कर गए तो आप लोगों के लिए फॉर्मेट रहेगा ठीक है इसको आप लोगों को भरना नहीं तो आप लोग नॉर्मल अगर कैंडिडेट है अगर उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड वेस्ट बंगाल कोई भी स्टेट के आप लोग हैं इंडिया के तो आप लोगों के लिए थर्ड नंबर कॉलम होगा नॉर्मल नॉर्मल कैंडिडेट के लिए या आप लोगों का तीसरा नंबर ही भरिएगा मैं मैं बार बार आप लोगों को इससे पहले मैं भी एक वीडियो और बनाया था सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड तो उसमें बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि सर मैं नंबर जो कॉलम भर दिया हूँ सर, सर मैं सेकंड नंबर भर दिया हूँ क्या करूँ क्या करूँ और बहुत सारे बच्चों का यह भी डाउट रहता था कि सर मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट तो मैंने ऑफलाइन बनवा दिया ठीक है क्योंकि यह ऑनलाइन फॉर्मेट बनता नहीं है बनेगा आप लोग का ऑफलाइन ही और ऑफलाइन बनने के लिए प्रोसेस इसका है तो मैं संपूर्ण जानकारी आप लोगों को दे दूंगा ठीक है तो आप लोगों का इसमें क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डाउट था यह चीज़ कि सर मेरा सर्टिफिक सर्टिफिकेट नंबर क्या रहेगा इशू डेट क्या रहेगा क्योंकि फॉर्म में तो जब फॉर्म आप लोग फिल की जाएगा सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट मांगता है और आप लोग का कन्फ्यूजन रहता है कि सर इशू में डेट और सर, 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 जो कि सर्टिफिकेट नंबर है वो क्या डालूँ मैं तो संपूर्ण जानकारी आप लोग इस वीडियो में दूंगा लेकिन आप लोग अगर नॉर्मल कैंडिडेट हैं तो आप लोग ये थर्ड नंबर ही कॉलम भरिएगा ठीक है थीके? और उसके बाद यहाँ पे प्लस लिख दीजिएगा उसके बाद डेट यहाँ पे लिख दीजिएगा और उसके बाद बस आप लोग का इतना ही काम है उसके बाद कुछ नहीं करना है आप लोगों को ठीक है इतना आप लोग का कर कर लिए उसके बाद से आप लोग क्या कीजिएगा ना इसके बाद से इसके बाद आप लोग का क्या करना है जो भी आप लोग का स्टेट गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट है ना मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ एक बार आप लोग को ठीक है जो भी आप लोग का देखिए स्टेट गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट है ना ये वाली स्टेट गवर्नमेंट की कास्ट सर्टिफिकेट क्या कीजिएगा आप लोग ले लीजिएगा ठीक है मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ ठीक है देखिए जो भी आप लोग की स्टेट गवर्नमेंट की कास्ट सर्टिफिकेट है स्टेट गवर्नमेंट की कास्ट सर्टिफिकेट को ले लीजिएगा ठीक है आप लोग स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट जीरोक् ले लीजिए मान लीजिए उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश का ले लीजिए ठीक है जीरोक्स लीजिए और इसके साथ में आधार कार्ड का फोटो लगाइएगा ठीक है वो जो मैं आप लोग को बताया वाला प्रिंट ले लीजिएगा प्रिंट लेने के बाद से आप लोग आधार कार्ड का ये वाला एक जीरोक्स लेना है और एक अपने राज्य सरकार का जो जाति जाति प्रमाण पत्र सेंट्रल बनवाने के लिए तो आप लोग का पहले देखिए सेंट्रल बनवाने का क्योंकि सेंट्रल का ऑफलाइन ही बनता है ऑनलाइन नहीं बनता है मैं पहली बात आप लोग क्लियर कर देता हूँ आप लोग को अगर भारत सरकार का बनवाना है कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र रेलवे के लिए एससी के लिए किसी भी चीज़ के लिए तो आप लोग का ये ऑफलाइन प्रोसेस से ही होकर गुजरना रहेगा ऑनलाइन इसका नहीं बनता है मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ ठीक है तो आप लोग को बनवाने के लिए सबसे पहले आप लोग का राज्य का जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है अगर राज्य का नहीं है तो आप लोग का नहीं बन पाएगा तो सबसे पहले आप लोग राज्य का बनवाइएगा अपना अगर राज्य का है तो उसका जिर लीजिएगा और आधार कार्ड का जिरक्स लीजिएगा और इसके साथ में कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स है मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ ठीक है देखिए इसके साथ में और भी मैं डॉक्यूमेंट्स बता दे रहा हूँ देखिए जैसे कि आप लोगों से जब बनवाने जाइएगा ना तो इस के साथ में दो हो गया आ, 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 आप है आप लोग के पास है ठीक है जैसे कि आप लोग का मैं बता दिया राज्य सर पर, सरकार का ले लीजिएगा स्टेट गवर्नमेंट वाला ले लीजिएगा एस जो, जो भी है एस सी जो भी है उसके पास से आधार कार्ड का ले लीजिएगा आधार कार्ड जीरोक्स हो गया और इसके बाद से आप लोग का जो फॉर्मेट निकलवाए थे प्रिंट आप लोग ले लीजिएगा तीन चीज अगर आप लोग का ये ये तीन चीज़ तो कम्पल्सरी है सभी स्टूडेंट्स के लिए ठीक है सभी स्टूडेंट्स को मैं बार बार बोल रहा हूँ ये चीज़ तीन चीज़ कंपल कंपल्सरी है सभी को लेके जाना पड़ेगा ठीक है और अगर उत्तर प्रदेश के आप लोग स्टूडेंट हैं अगर आप लोग उत्तर प्रदेश के आप लोग छात्र हैं तो आप लोगों को इसके साथ में कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे जैसे कि आप लोगों के लिए एक आता है जैसे उत्तर प्रदेश के जो भी बच्चे रहते हैं उन सबों के लिए आता है तेरह सौ ईस्वी का एक नकल कहा जाता है ठीक है तेरह सौ ईस्वी का एक नकल कहा जाता है इसे उत्तर प्रदेश में ठीक है ये चीज़ का आप लोगों का जिरस लेना है ठीक है ये कुछ ऐसा दिखता है आप लोगों को नहीं मिलेगा तो तहसील से बनवा सकते हैं आप लोग ठीक है ऐसा कुछ प्रकार का आता है और आप लोगों के पास अगर ये नहीं भी है तो आप लोगों के पास ये वाला चाहिए आप लोगों का एक परिवार रजिस्टर आता है ठीक है फैमिली का ब्यौरा दिया रहता है आप लोग का जैसे कि पूरा फैमिली में उत्तर है, है? प्रदेश के बच्चों का मैं बात कर रहा हूँ ये चीज़ ठीक है अगर आप लोग उत्तर प्रदेश के अलावा किसी और स्टेट के हैं तो आप लोग एक बार वहाँ पर पता कर लीजिएगा कि जब आप लोग जाइएगा ना बनवाने तो यहाँ पर प्रिंट ले लीजिएगा उसका राज्य सरकार का जाति प्रमाण पत्र है बाद आधार कार्ड ये तीन चीज आप लोग लेके जाइएगा बनवाने आप लोग बस इसके अलावा और कुछ नहीं लगने वाले हैं और कुछ लगेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को क्लियर पता चल जाएगा ठीक है लेकिन आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप लोग को ये चीज़ भी चाहिए आप लोगों को परिवार रजिस्टर आप लोग लेकर जाना है आप लोग को परिवार रजिस्टर के साथ साथ एक तेरह का जो मैं स्पीकर नकल दिखाया आप लोगों को अभी बगल में ये वाली इसको भी आप लोग को लेकर जानी होगी ठीक है इतनी चीज़ आपको लेकर जानी होगी ठीक है इसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा सीधे आप लोग इस सभी चीज़ को लेकर के आप लोग क्या करना है ना आगे मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को ठीक है इन सभी चीज़ों को लेकर के आप लोग का तहसील में चले जाना है आपने जो भी आप लोग का डिस्ट्रिक्ट का तहसील होगा वहाँ पे चले जाना है आप लोगों को ठीक है तहसील आप लोगों का जो भी होगा आप लोगों का जैसे कि मान लीजिए किसी भी राज्य का आप लोग तो आप लोग का जो तहसील होता है जैसे बोल जहाँ पे आप लोग का जाति प्रमाण पत्र से कोट रोड का काम होता है वहाँ पर आप लोग चले जाइएगा तहसील में तहसील में जाइएगा आप लोगों को इन सभी का जिरोक्स लेकर के ठीक है और जिरक्स लेकर करके तहसील में जाइएगा आप लोग सीधे कहाँ पर जाइएगा लेखपाल के पास आप लोग जाइएगा लेखपाल के पास लेखपाल के जाए पास जाएंगे लेखपाल आप लोग क्या करेगा रिपोर्ट लगाएगा ठीक है लेखपाल आप लोग का रिपोर्ट लगाएगा देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से रिपोर्ट लगाएंगे और रिपोर्ट लगाएंगे वो तभी जो आप लोगों के पास स्टेट गवर्नमेंट का का सर्टिफिकेट रहेगा जो राज्य सरकार वाला जाति प्रमाण पत्र रहेगा तभी वो रिपोर्ट लगाएगा और रिपोर्ट लगाएगा तो आप लोग का जो राज्य सरकार का जाति प्रमाण पत्र का जो सर्टिफिकेट नंबर है ना प्रमाण पत्र क्रमांक जो बोल रहा सर्टिफिकेट नंबर वही आप लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी रहेगा देखिए यहाँ पर क्लियर लिख दिया गया है मेरा राज्य सरकार का जाति प्रमाण पत्र नंबर और जो राज्य जाति प्रमाण पत्र का जारी दिनांक है ना इशू डेट वही आप लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इशू डेट रहेगा ठीक है देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे ठीक है अगर आ, 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 आप लोग इशू डेट डेट ये भी डा, डाल सकते हैं जिस जिस को आप लोग फाइनल एसडीएम जो भी सिग्नेचर करवाना तहसीलदार का सिग्नेचर करवा रहे हैं तो इशू डेट में आप लोग ये भी लिख सकते हैं ठीक है इशू डेट आप लोग का ये भी चल जाएगा ठीक है आप लोग का जो, लो, जो जो दो, जो जो आप आप लोग लोग दो मन करे को वो डाल सकते हैं आप लोग ये चीज आप लोग के ऊपर है ठीक है आप लोग या तो जाए स्टेट गवर्नमेंट अगर आप लोग नई है नया जाति प्रमाण पत्र स्टेट गवर्नमेंट का तो आप नया वही डाल दीजिए अगर पुराना है तो आप लोग ये नया वाला डालिएगा जो सिग्नेचर लगेगा फाइनल जिस दिन ठीक है तो ये चीज़ क्लियर हो गया आप लोग का सर्टिफिकेट नंबर राज्य राज सरकार का जो जाति प्रमाण पत्र है वही रहता है ठीक है और लेखपाल रिपोर्ट लगा देगा जब लेखपाल रिपोर्ट लगाएगा ना तो इसको आप लोग लेकर जाइएगा सीधे तहसीलदार के ऑफिस में ठीक है तो तहसीलदार के ऑफिस में ले जाइएगा लेखपाल के रिपोर्ट लगाने के बाद तो तहसीलदार के ऑफिस में लेकर जाइएगा तहसीलदार क्या करेंगे वहाँ पर जो भी तहसीलदार के असिस्टेंट होते हैं ना जो उसे बाबू कहा जाता है बाबू के पास ठीक है बाबू जिसे बुलाता है उत्तर प्रदेश के तहसीलों में ठीक है उसे बट उसे तहसीलदार का असिस्टेंट कहा जाता है ठीक है तहसीलदार के असिस्टेंट के पास लेके जाइएगा वो क्या करेगा आप लोग के सफाई फाइल पे इंडोस करेगा देखिए यहाँ पे कुछ तहसीलदार का असिस्टेंट इंडोस किया है इंडोस करके सीधे तहसीलदार के पास भेज देगा ठीक है अब तहसीलदार के पास भेज देगा ठीक है अब तहसीलदार के पास जब जाएगा तो वो आप लोगों का सब कुछ चेक करेंगे आप लोग का राज्य सरकार का जाति प्रमाण पत्र तो चेक करेंगे आप लोगों का परिवार रजिस्टर चेक करेंगे आप लोगों का तेरह सौ छप्पन ईसवी का नकल चेक करेंगे अगर अगर ये दो चीज़ नहीं है परिवार रजिस्टर तेरह सौ छप्पन का ईसवी का नकल तो आप लोग राज्य सरकार का जाति प्रमाण पत्र आधार कार्ड और ये वाला फॉर प्रिंट लेके जाइएगा ठीक है चेक करके तो इसके बाद तहसीलदार आप लोग का फाइनल मोहर और सिग्नेचर मार के दे देंगे ठीक है और फोर मोहर आप लोग का स्टम्प और सिग्नेचर मार के दे दिए तो ये वाला चीज़ आप लोग का यहाँ पर क्लियर हो गया ठीक है यहाँ से आप लोग का ये सर्टिफिकेट एक बन गया ठीक है ये उसके बाद से आप लोग अगर चाहें तो आप लोग एस डी किसी से भी साइन करवा सकते हैं जैसे कि मैं आप लोग मान लीजिए मैं एस से सिग्नेचर करवाया कर हूँ फाइनल सिग्नेचर एस से करवाया से करवाए तो देखिए एस के पास अभी इस चीज़ को इसके बाद से आप लोग को एस डी एम का ऑफिस लेकर चले जाना है डी एम का ऑफिस किसी के पास लेकर चले जाना है ठीक है वहाँ पर जब जाइएगा आप लोग तो वहाँ पर जाइएगा आप लोग तो, लो तो, लो तो उससे बस वहाँ पर कुछ नहीं वहाँ पर भी जो एस अच्छा ए डी के असिस्टेंट होते हैं जो उनसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा आप लोग ठीक है उससे बोलिएगा सर ये मेरा एन है और मुझे इस पर फाइ सर का सिग्नेचर और स्टम्प करवाना है ठीक है तो उनको वो क्या करेंगे लेकर जमा कर देंगे और आप लोगों को ये चीज सिग्नेचर और स्टम्प मार्क दे देंगे ठीक है देखिए जैसे कुछ मेरे इस प्रकार में मारा गया इस एसडीएम का सिग्नेचर ठीक है देखिए अपर जिला अधिकारी पाँच, पाँच दो पाँच आठ दो हज़ार चौबीस को मारा गया ठीक है पाँच के पाँच तारीख को मैं ये फिल किया हुआ पाँच तारीख को मैं सिग्नेचर भी होगा मतलब इसको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए ना आप लोग का ये ऑफलाइन प्रोसेस है और आप लोग का मात्र एक से दो दिन में ही बन जाएगा इसमें कोई टाइम नहीं लगता है ठीक है अब ये डिपेंड करता है कि आप लोग का तहसील में काम कैसे कर रहे हैं ऑफिसर अब देखिए मैं आप लोग का एक इसमें एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप लोग का हंड्रेड परसेंट बनेगा ही बनेगा अगर आप लोग जेनुअन कैंडिडेट हैं तो अगर आप लोग फ्रॉड वाले हैं तो फिर तो मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ लेकिन अगर आप लोग जेनुअन है तो मैं हंड्रेड दे रहा हूँ आप लोग को एक तरीका बता रहा हूँ जिससे कि बनेगा ही बनेगा आप लोग का अगर आप लोग कोई भी अधिकारी बहाने दे रहा है कि आप लोग सेंट्रल फॉर्मेट में जो कि है कि सेंट्रल लिस्ट में नहीं आते हैं आप लोग का कैटेगरी सेंट्रल लिस्ट में नहीं है ये है वो दुनिया भर का तो आप लोग अपने पता कीजिएगा तहसील में ना तहसील में पता कीजिएगा तहसील दिवस किस दिन लगता है ठीक है मैं आप लोग बता दूँ तहसील दिवस जहाँ तक मुझे पता है मेरे तहसील में तो महीने के पहले शनिवार और तीसरे शनिवार को तहसील दिवस लगता है ठीक है महीने के हर एक महीने में पहले सैटरडे को और तीसरे सैटरडे को तहसील दिवस लगता है और उस तहसील दिवस के दिन सारे ऑफिसर्स जो कि एक सभागार एक हॉल होता है उसी में रहते हैं जितने भी तहसील के जितने भी ऑफिसर होते हैं ना सब के सब उस दिन इसलिए लगता है क्योंकि चीफ मिनिस्टर का आदेश है कि यहाँ पे यू पी का कि पूरा एक दिन में ही संपूर्ण समाधान दिवस मनाया जाए ठीक है जैसे कि संपूर्ण एक दिन किसी का कोई काम एक दिन में ही निपटारा किया जाए इसीलिए सारे वहाँ पर रखते हैं डायरेक्टली आप लोग ये चीज़ को फाइल को ले जाकर के तहसीलदार के हाथ में या फिर एस के हाथ में दे दीजिएगा एस डी वहीं पर बैठे रहते हैं ठीक है उनके हाथ में दीजिए और वो खुद बोल क्योंकि मैं भी देखिए पाँच तारीख को ही जमा किया पाँच तारीख को मेरा सब कुछ हो गया ठीक है एक से दो दिन लगा ही मात्र में मैं सब कुछ कुछ नहीं जाकर सीधे डायरेक्टली मैं एसडीएम को दिया हूँ और एसडीएम क्या किए हैं बस मैं मैं लेखपाल लेक, से बस यहाँ पे रिपोर्ट लगवा के आया और डायरेक्टली ले जाकर एस को दे दिए फाइनल सिग्नेचर करवाने के लिए और एस को जब दिए वो खुद सबको अधिकारी को बुला बुला करके फाइनल सिग्नेचर करवाएं सबको तहसीलदार का सिग्नेचर करवाएं और जाकर बस मुझे फाइनली डी एम एस डी का सिग्नेचर करवाना पड़ा लेकिन उनके ऑफिस में क्योंकि वहाँ पर उनका स्टॉम

इएगा आप लोग कोई भी इसके बाद भी डाउट रहना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा मैं तुरंत आप लोग को रिप्लाई दूंगा और मैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिए और मैं किस हर एक भर्ती से रिलेटेड इस चैनल पर नोटिफिकेशन प्रोवाइड करा कर रखता हूँ और एक रेलवे से रेलेटेड खास करके रेलवे से खुद कच में हूँ इस कारण से रेलवे से रिलेटेड कोई भी भर्ती का अपडेट हो गया मेरे चैनल पर प्रोवाइड मिल मिल जाएगा आप लोगों को सबसे पहले और सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर उसका नोटिफिकेशन मिल गया है तो अगर वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा चलिए वीडियो यहीं पर एंड करते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसी लगी चलिए Thanks for watching.